नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये नाम शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन जिस ब्रांड के स्टोर्स ये चलाते हैं, डीमार्ट नाम से स्टोर्स जो कंपनी चलाती है वो ये है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। तो आज इस कंपनी के बारे में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके बिजनेस के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, मार्केट कैप हो, और फाइनली उसके वैल्यूएशन का कंपैरिजन में कुछ चीज़ों से करने वाला हूँ, ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ सके कि इसका ये जो सुपर हाई वैल्यूएशंस चल रहे हैं मार्केट में, क्या वो सही है या नहीं। आपको एंड में कुछ आइडिया आ जाएगा। याद रखिए, ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, या मेरे एनालिसिस से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आएंगे इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया, उसमें से कुछ 11 स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है फिलहाल, और वो 210 से ज़्यादा स्टोर्स चलाते हैं डीमार्ट के नाम से। और एक नॉर्मल घर में हमें लगने वाले ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाती है, फूड प्रोडक्ट्स से लेके नॉन फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, फुटवेयर, और काफ़ किचन के सामान, स्टेशनरी का सामान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे हमें मिल जाती हैं। तो डीमार्ट एक काफ़ी पॉपुलर स्टोर है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए शॉपिंग करने के लिए। इसका जो प्रमोटर है मिस्टर राधा किशन दमानी, इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था 2002 में। ये इंसान जो है वो काफ़ी लो प्रोफाइल आदमी है, बहुत से लोगों ने शायद सुना नहीं होगा जो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में से जुड़े हैं, लेकिन जो लोग काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं उनके वो जानते हैं कि इस आदमी को दलाल स्ट्रीट यानी कि स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। ये काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी रह चुके हैं, और अब डीमार्ट के नाम से ये कंपनी चला के इनको, इनकी रिस्पेक्ट लोगों के मन में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डीमार्ट की शुरुआत 2003 फाइनेंशियल ईयर 2003 में हुई थी दो स्टोर्स के साथ। फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते 2014 तक, यानी कि 10-11 साल में वो 75 स्टोर्स तक पहुंच गए, और फिर वहां से 2020 यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसमें उन्होंने 214 स्टोर्स अभी उनके चालू है, कुछ 11 स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है। तो एक उनका जो ग्रोथ रेट है, जो एक्सपांशन है, वो स्टेडी रहता है, बहुत फास्ट पेस ग्रोथ के पीछे नहीं जाते। एक एक स्टोर ओपन करते हैं, एक दो स्टोर्स पे फोकस करते हैं, उसका स्केल बढ़ाते हैं, और फिर और स्टोर्स ओपन करने के पीछे जाते हैं। तो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल है, उनका वर्किंग स्टाइल जो है वो ऐसा ही है, और ये काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है। इनफैक्ट शुरुआती दौर से ही डीमार्ट ने फोकस उनके पूरे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी पे किया था, ताकि बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स वो लोग कस्टमर को ऑफर कर सके, और उन डिस्काउंट्स के बावजूद भी वो डिसेंट प्रॉफिट कमा सके। तो उनके जो ऑपरेशंस में जो एफिशिएंसी है वो राइट फ्रॉम कंपनीज से सामान खरीदने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक हर स्टेप में वो एफिशिएंसी हमें दिखती है। इवन बिलिंग काउंटर भी पे आप देखेंगे तो उधर भी डीमार्ट के एफिशिएंसी का एक नज़ारा मिल जाता है। तो डीमार्ट की स्टोर्स की पॉपुलैरिटी का अगर आपको आइडिया लेना है तो एक सजेशन दूंगा, एक किसी वीकेंड को डीमार्ट के स्टोर में चले जाइए। अभी कोरोना से पहले के जो, जब भी मैं डीमार्ट के स्टोर में गया था, वीकेंड के दिन तो वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी। पब्लिक वहाँ पे सिर्फ उसी टाउन में से, उसी शहर में से नहीं, आजू बाजू के टाउन्स में से भी वहाँ पे पहुँच जाती थी, क्योंकि डिस्काउंट्स इतने अट्रैक्टिव होते थे। पूरे महीने का सामान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग डीमार्ट जैसे स्टोर में आते हैं। तो इनफैक्ट वीकेंड्स को ही नहीं, कई बार तो वीकडेज में भी इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पे आसानी से घूम पाना भी मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी उन डिस्काउंट्स के लिए लोग वो मेहनत करते हैं। तो उनका पूरा पूरा का पूरा फोकस, जैसे मैंने कहा, एफिशिएंसी पे बना हुआ है, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स डेली नीड्स के सामान पे दे सके लोगों को, और यही उनका सक्सेस का मेन रीज़न है, कि उनकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न यही है। हाई वॉल्यूम्स, लो मार्जिन्स का बिजनेस है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी इतने डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी उनका एबिटडा मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 8% के ऊपर स्टेडीली मेंटेन्ड है उन्होंने। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। बहुत सारे रिटेल बिजनेसेस
शोबाजी में लग जाते हैं और पॉश एकदम एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं रहता जितना डीमार्ट मैनेज करता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि डीमार्ट के जो स्टोर्स है वो किसी भी लीज्ड यानी कि रेंट पे लिए हुए जगह पे नहीं रहते, उनके सारे के सारे स्टोर्स उनकी ओनरशिप के जगह पे रहते हैं। वो बहुत फास्ट एग्रेसिवली एक्सपांड नहीं करते नंबर ऑफ स्टोर्स, लेकिन जो स्टोर्स वो शुरू करते हैं वो जगह खरीद के स्टोर बना के वहाँ पे बिजनेस शुरू करते हैं, ताकि उनका फिर लीज रेंटल का कोई भी कंपोनेंट उनके कॉस्ट में ना आए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी हेल्दी है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो उनके पिछले 3 साल में यानी कि जब से उनका आईपीओ आया, तो उनका आईपीओ आया था मार्च 2017 में, तो फिस्कल ईयर 2017 के आगे के अगर रिजल्ट्स देखें तो इन 3 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक, इन 3 सालों में उनका स्टोर काउंट जो है वो 63% से बढ़ गया है, लेकिन उनका टोटल इनकम जो है वो 109% यानी कि डबल से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है इन 3 सालों के पीरियड में। उनका जो ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का वो 25% पर एनम के रेट से कंसिस्टेंटली वो लोग ग्रो कर रहे हैं, और ये काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते करते उनको ग्रो करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ है मेरे हिसाब से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ग्रोथ अगर देखा जाए तो टोटल इनकम से थोड़ा सा ज़्यादा है। टोटल इनकम जहाँ पे 109% में ग्रो हुआ था इन 3 सालों में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहीं पे 133% ग्रो हुआ है, यानी कि इन 3 सालों के पीरियड में उन्होंने उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। उनका टोटल इनकम अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो था वो 25,000 करोड़ के नज़दीक आ गया है, और नेट प्रॉफिट का फिगर जो है वो 1,300 करोड़ पे है। ये सारे फिगर्स फाइनेंशियल ईयर 20 की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मार्च एंडिंग के आसपास जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ और फिर उसकी वजह से रिटेल इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस हुए, उस वजह से काफ़ी लोगों को ये ग्रोथ अभी आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं, ये सवाल मन में उठ रहा है। तो आइए एक रियलिटी चेक अभी करते हैं इस मामले में। पहले मार्केट कैप और शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो डीमार्ट का आईपीओ जब आया था दो मार्च 2017 में, तो उनका आईपीओ का प्राइसिंग 300 रुपये के नज़दीक रखा गया था, 295 से 299 का प्राइस बैंड था। तो 300 रुपीज़ के प्राइस पे उस वक्त उनका जो मार्केट वैल्यूएशन या फिर कंपनी का जो वैल्यूएशन आईपीओ में उन्होंने लाया था वो 18,700 करोड़ था उस वक्त, यानी कि फाइनेंशियल 2017 के नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में वो 38 टाइम्स था, यानी कि उसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल हम कह सकते हैं कि वो उस वक्त 38 टाइम्स था, और मेरे ख्याल से वो 38 टाइम्स का फिगर वर्थ भी था क्योंकि उसका ग्रोथ रेट काफ़ी स्ट्रांग चल रहा था। थोड़ी छोटे साइज पे थी उस वक्त, तो उस वक्त उनका ग्रोथ रेट 40% से ज़्यादा चल रहा था, तो 38 टाइम्स का वैल्यूएशन बिल्कुल मुनासिब था, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं था मैं कहूँगा। आज उनका शेयर प्राइस जो है वो 2,200 के ऊपर चल रहा है, 2,220 रुपये के नज़दीक चल रहा है, और उस वजह से उनका जो मार्केट कैप है, ओके याद रखिए मार्केट वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ के नज़दीक पहुँच चुकी है, 1.44 लाख करोड़ पे पहुँच चुकी है। 3 साल पहले आईपीओ के टाइम उनका मार्केट वैल्यू जो आईपीओ में उन्होंने लाया था वो 19,000 करोड़ के नज़दीक था, आज उस 19,000 करोड़ के मुकाबले ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ के नज़दीक पहुंच गया है, यानी कि वो 7.7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है उसका मार्केट वैल्यू आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में आज की वैल्यू उसकी। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या बिजनेस भी उसी पेस से ग्रो हुआ है? तो नहीं, जैसे कि हमने देखा है डीमार्ट के रेवेन्यूज जो है वो 2.1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, और उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 2.7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ये ग्रोथ रेट काफ़ी हेल्दी है, लेकिन उसका जो मार्केट वैल्यू है वो उससे कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, 7.7 टाइम्स, यानी कि उनके नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ के से 3 गुना से भी ज़्यादा फास्टर पेस से उनका मार्केट वैल्यू ग्रो हुआ है। तो क्या ये लॉजिकल है, क्या ये सेंसिबल है, यही आज का मेरा पॉइंट है।
तो डीमार्ट का मार्केट कैप अगर आप कंपेयर करें अभी के नेट प्रॉफिट से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 के नेट प्रॉफिट से, तो उनका मार्केट कैप 110 टाइम्स पे है। 110 का पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल उसको मिल रहा है आज मार्केट में। मुझे तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा क्रेजी वैल्यूएशन है। इस वैल्यूएशन पे सिर्फ वो कंपनीज चलने चाहिए जो कंपनीज 50% या 60% से ज़्यादा फास्टर पेस से ग्रो कर सके आने वाले 2-3-4 सालों में, तब उन कंपनीज को इतना हाई वैल्यूएशन मिल सकता है या मिलना चाहिए। इधर हम देख रहे हैं कि डीमार्ट उनके बिजनेस के लिए 25% का ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है, लेकिन 25% के ग्रोथ के लिए इतना 110 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन, आई मीन मार्केट कैप वैल्यूएशन जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। इसको तो मैं क्रेजी लेवल पे ही समझूंगा। और अगर मैं थोड़े से रफ कैलकुलेशंस कर लूँ, मान लीजिए कि डीमार्ट आने वाले 3 सालों में भी 25% का ये ग्रोथ रेट अगर मेंटेन करता है, तो 3 साल बाद उनका जो भी नेट प्रॉफिट फिगर आएगा, ओके 25% पर एनम की ग्रोथ से 3 साल बाद जो नेट प्रॉफिट फिगर आएगा, उसके मुकाबले भी डीमार्ट का आज का जो मार्केट कैप है वो 56 टाइम्स है। यानी कि 3 साल बाद भी वो एक्सपेंसिव ही रहेगा इवन इफ डीमार्ट 25% का ग्रोथ रेट मेंटेन करता है। तो आप ही समझ लीजिए कि आज तो एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव लेवल पे चल रहा है वो। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या डीमार्ट इस पेस से ग्रो कर सकता है। सो 25% का जो उनका अभी तक का ग्रोथ रेट चल रहा है पिछले 2-3 साल का, क्या ये आने वाले सालों में मेंटेन कर सकते हैं? तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि कोरोना जब से अभी शुरू हुआ है तब से रिटेल बिजनेसेस में सब जगह पे उथल पुथल हो चुका है। लोग इनफैक्ट स्टार्टिंग के लॉकडाउन के महीनों में कुछ स्टोर्स तो बंद रखने पड़े थे, फिर जब स्टोर्स खुल गए तब वहाँ पे भीड़ को जाने को मना था। इनफैक्ट लोग खुद ही भीड़ नहीं कर रहे थे क्योंकि कोरोना का डर था। अभी भी अब आप देखें तो थोड़ा बहुत डर अभी भी मार्केट में बना हुआ है और अभी भी उतनी भीड़ नहीं जाती डीमार्ट के स्टोर में जितनी पहली कोरोना से पहले जाया करती थी। अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डीमार्ट ने 40% का रेवेन्यू ड्रॉप रिपोर्ट किया है और नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 85% से ड्रॉप हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा उनको झटका लगा, लॉकडाउन का बड़ा इम्पैक्ट उनको लग गया था। कुछ दिनों के लिए उनके सारे स्टोर्स बंद थे और फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया, उनके आधे से ज़्यादा स्टोर्स चालू हो चुके थे, लेकिन फिर भी भीड़ ना आने की वजह से उनका रेवेन्यू ड्रॉप तो सब्सटैंशियल रहा है और नेट प्रॉफिट तो उससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। अब Q2 में हो सकता है इससे बेटर नंबर्स आएंगे क्योंकि लॉकडाउन से अभी धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे लोग अभी ज़्यादा रेगुलरली बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग के लिए भी निकल रहे हैं और डीमार्ट के स्टोर्स में भी थोड़ा फुटफॉल अभी डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ होगा। लेकिन क्या वो नॉर्मल लेवल्स पे पहुंचा होगा या क्या वो नॉर्मल लेवल्स के नज़दीक भी आया होगा, तो मेरा मानना है नहीं, फिलहाल वो उतना नॉर्मल नहीं हुआ होगा। 25% ग्रोथ रेट तो दूर की बात है, फिलहाल उनको कोरोना से पहले के नंबर्स फिर से अचीव करने को भी हो सकता है और कुछ क्वार्टर्स का टाइम निकल जाए और फिर जब सिचुएशन नॉर्मल में आ जाएगी तब जब हम आगे की ग्रोथ की बात करेंगे। पिछले कुछ महीनों में ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा है कि कंज्यूमर्स ने इवन ये डेली नीड्स के जो आइटम्स है उसकी खरीदी ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। तो शहरों में, बहुत सारे शहरों में, बड़े शहरों में बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे सर्विसेज अवेलेबल थे तो इनके पास काफ़ी लंबा ऑर्डर बुक्स, यानी कि बहुत से लोग वहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे तो वो लोग बहुत बिजी हो गए थे। और अभी रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जियो ने भी, रिलायंस जियो ने भी जियो मार्ट नाम से बिजनेस लॉन्च किया है ई कॉमर्स का, जहाँ पे वो डेली नीड्स के आइटम्स, ग्रोसरीज और इवन वेजिटेबल्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को होम डिलीवरीज के साथ। तो ये अभी ये 3 सर्विसेज अगर आप देखें, इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो है ही, वो कुछ शहरों में प्रेजेंट है इन डेली नीड्स के आइटम्स के बिजनेस में, तो ये सारे मिलके ये मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लॉकडाउन का जो बेनिफिट है या कोरोना का जो डर की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे उतना फ्रीली जितना पहले निकला करते थे, उस वजह से ये ऑनलाइन सेल करने वाले कंपनीज का डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है। उसके कंपैरिजन में अगर डीमार्ट का ई कॉमर्स डिवीजन देखा जाए तो वो बहुत ही छोटा है।
इनफैक्ट डीमार्ट ने भी कोशिश जरूर की कि ई कॉमर्स के थ्रू वो लोग उनका बिजनेस थोड़ा सा रिवाइव कर सके, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिकल स्टोर्स का जो सक्सेस था या फिजिकल स्टोर्स का जो बिजनेस इस लॉकडाउन के पीरियड में ड्रॉप हुआ है, उतना पूरा का पूरा उसका ई कॉमर्स डिवीजन कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता, और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी मार खाएंगे क्योंकि ई कॉमर्स में डेफिनेटली ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा उनका। तो अभी ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं कि क्या डीमार्ट इस स्पेस से ग्रो कर सकता है। तो कोरोना की वजह से पूरे के पूरे रिटेल इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो गए, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब ये जो चेंज है, क्या ये चेंज टेम्पररी रहता है, यानी कि 1 या 2 या 3 क्वार्टर्स तक ही रहता है क्या, या फिर ये परमानेंट हो जाता है? परमानेंट कैसे, कि कोरोना का डर हो सकता है आगे 2 या 3 क्वार्टर्स बाद कम हो जाएगा, फिर लोग वापस अपने नॉर्मल लाइफ पे धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन उनको अभी ये ऑनलाइन शॉपिंग की अगर आदत लग गई होगी और ऑनलाइन शॉपिंग में भी उनको अगर डिसेंट डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे, भले डीमार्ट जितने बड़े बड़े डिस्काउंट्स ना सही, लेकिन उससे थोड़ा कम डिस्काउंट्स भी मिले, लेकिन होम डिलीवरी पे के साथ मिले, तो हो सकता है इनमें से काफी लोग ऑनलाइन शॉप परचेजेस या ऑनलाइन शॉपिंग कंटिन्यू करें और वापस डीमार्ट स्टोर में जाके रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली शॉपिंग ना करें। तो उस वजह से थोड़ा फर्क डेफिनेटली पड़ सकता है ये जो रिटेल इंडस्ट्री के फिजिकल स्टोर्स वाले बिजनेस मॉडल को। तो ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा कि ये कितना उसका असर आगे कंटिन्यू होता है। ऑनलाइन के स्पेस में अगर आप देखें तो अमेजॉन का प्रेजेंस है, और वो भी अभी एग्रेसिवली इस ग्रोसरीज और डेली नीड्स वाले आइटम्स के बिजनेस में उतर रहे हैं। बड़े शहरों से उन्होंने शुरू तो कर दिया है, और धीरे धीरे इनका रीच और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कुरियर नेटवर्क्स का वगैरह रीच जो है, वो छोटे टाउन्स या छोटे सिटीज में भी पहुंच रहा है, तो वो उसमें भी उतरेंगे। साथ ही साथ वॉलमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट 1-2 साल पहले किया था, तो वो लोग भी पुश कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट के बेसिस, फ्लिपकार्ट के कंधों पर बैठ के वो भी इस बिजनेस में एग्रेसिवली उतरेंगे। और रिसेंटली हमने देखा कि रिलायंस के जियो मार्ट ने तो ऑलरेडी एग्रेसिवली पुश शुरू कर दिया है, और उनका प्लान सिर्फ बड़े शहरों तक रहने का नहीं है। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि रिलायंस का ये जियो मार्ट लोकल किराना स्टोर्स के साथ टाई अप करके ई कॉमर्स का रीच जो है वो छोटे टाउन्स तक पहुंचाएंगे। तो इस सारे सिचुएशन में डीमार्ट के लिए कंपटीशन काफी तगड़ी हो रही है। ऑनलाइन स्पेस में तो डीमार्ट के पैर फिर से मतलब अच्छी तरह से टिकना तो मुश्किल है, इवन फिजिकल स्टोर्स का बिजनेस भी उनको थोड़ा सा ग्रोथ रेट उनका डेफिनेटली हैम्पर करेगा इन सब चीजों की वजह से। तो कोरोना की वजह से अगर कोरोना वाइप आउट भी हो जाता है, तो उसके बाद भी डीमार्ट उनके फुल ऑपरेशंस रिज्यूम करके फुल फ्लो में शुरू होके फिर 25% के ग्रोथ रेट पे आना मेरे हिसाब से मुश्किल है। ग्रोथ रेट डेफिनेटली आएगी, ग्रोथ वापस आएगा, लेकिन वो ग्रोथ हो सकता है 25% से काफी कम हो, मे बी 10-15% के रेंज में वो सस्टेनेबल ग्रोथ आगे मेंटेन कर पाएंगे, और हो सकता है उनको ज्यादा फोकस उनका स्मॉलर सिटीज या स्मॉलर टाउन्स में करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े शहरों में तो ये ई कॉमर्स वाले कंपनीज ज्यादा जब बाजी मार रहे हैं। अभी डीमार्ट का एक्चुअल वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं मेरे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। तो डीमार्ट एक डेफिनेटली एक एक्सेलेंट बिजनेस मॉडल है और हेल्दी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी रखता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यूएशन। क्या ये वैल्यूएशन सेंसिबल है? तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि मेरा ओपिनियन यही है कि ये वैल्यूएशन डेफिनेटली सेंसिबल तो नहीं है, क्रेजी है। अभी थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि क्या वैल्यूएशन उसका होना चाहिए, तो हम रिलायंस का जो रिसेंटली उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक डील किया है, बिग बाजार के सारे आउटलेट्स और फ्यूचर ग्रुप के बाकी रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सारे बिजनेसेस को वो एक्वायर कर रहे हैं। उसमें उनका इवन सेंट्रल ब्रांड फैक्ट्री जैसे जो अपैरल रिटेल के जो स्टोर्स थे, वो भी सब वो खरीद रहे हैं। तो वो सारे कंपनीज का टोटल जो टर्नओवर था, रेवेन्यू था, वो अराउंड 26,000 करोर है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो उस 26,000 करोर के रेवेन्यू वाला जो बिजनेस को वो लोग उठा रहे हैं, रिलायंस वो खरीद रहा है, उसको उन्होंने वैल्यूएशन दिया है 24,000 करोर का। ओके, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को 24,000 करोर पे कर रहा है, उसमें से कुछ कंपोनेंट लोन के फॉर्म में ले रहा है, कुछ कंपोनेंट कैश के फॉर्म में फ्यूचर ग्रुप को मिलेगा।
तो इस सारे में उनको 1800 स्टोर्स, फ्यूचर ग्रुप के सारे 1800 स्टोर्स, उसमें बिग बाजार भी है और बाकी फॉर्मेट के भी स्टोर्स है, वो सारे के सारे स्टोर्स अभी रिलायंस में आ जाएंगे। तो ये सारे स्टोर्स का अगर 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन अगर रिलायंस देता है, तो हम डीमार्ट का वैल्यूएशन का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अभी डीमार्ट डेफिनेटली फ्यूचर ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन है। ओके, स्केल में भी देखा जाए तो उनका और डीमार्ट का रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के नज़दीक है, यानी कि फ्यूचर ग्रुप के इस रिटेल होलसेल पूरे डिवीजन से थोड़ा सा कम। तो एफिशिएंसी के लिए मैं मानता हूँ कि डीमार्ट को हम 100% तक का प्रीमियम दे सकते हैं इस रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील के प्राइस के ऊपर। तो अगर उनका डील का प्राइस अगर 24,000 करोड़ हुआ था, तो डीमार्ट का उससे डबल तक जा सकता है, मेरा मानना है। ओके, सो 48,000, या मान लीजिए राउंड फिगर करते 50,000 करोड़ का डीमार्ट का वैल्यू मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंसिबल लगता है। 50,000 के ऊपर का कोई, 50,000 करोड़ के ऊपर का कोई भी वैल्यू डीमार्ट के लिए मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव ही है, और जितना ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम 50,000 करोड़ का फिगर भी पकड़े, तो वो फाइनेंशियल ईयर 20 के नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में 38 टाइम्स है, और मेरे ख्याल से ये सेंसिबल लेवल है। 25% का ग्रोथ वो लोग मेंटेन कर रहे थे कोविड आने से पहले। अभी कोविड आने के बाद हो सकता है वो 25% की ग्रोथ वापस आने को काफ़ी टाइम लगे, या आए भी नहीं। हो सकता है उनको ओरिजिनल फिगर अचीव करने को ही वापस 1 या 2 साल लग जाए, और फिर वहाँ से वो 10-15% पर एनम की ग्रोथ से आगे बढ़ते चले। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से 38 टाइम्स का मल्टीपल भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये भी चीप नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब ये सवाल है कि क्या इन्वेस्टर्स ने डीमार्ट से दूर हो जाना चाहिए? तो अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपसे बात करता हूँ इस मामले में, कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या चाहिए रहता है। हम कुछ अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसके आगे के प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हो, और उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव या फिर डिसेंट हो, मतलब बहुत सस्ता ना सही, लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ऐसे बिजनेसेस में हम एज एन इन्वेस्टर सोचते हैं इन्वेस्ट करने का। तो डीमार्ट गुड, अच्छा बिजनेस है, ये तो हम सबको पता है। ओके, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी प्रूव करता है कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है। उसके आगे के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी डिसेंट है, 10-15% या 10-20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वो कोविड के खत्म होने के बाद वापस ला सकता है और सस्टेन भी कर सकता है। सवाल सिर्फ वैल्यूएशंस का है। इस वैल्यूएशन पे अगर कोई डीमार्ट में इन्वेस्टेड रहता है, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये शेयर प्राइस सडनली मार्केट में टूटेगा गिरेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि इस कंपनी में 75% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है। ओके, जो बचा हुआ 25% है, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, और रिटेल के भी काफ़ी लोग भी उसमें है। तो ये सारे लोग सिर्फ 25% तक ही खरीद पा रहे हैं, उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा फ्रीली शेयर्स खरीदा बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, 75% प्रमोटर्स के पास है। उस वजह से हो सकता है कि इमीजिएटली ये शायद ना गिरे, जब तक ये बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े फाइनेंशियल FIIs हो या म्यूचुअल फंड्स हो, ये जब तक डीमार्ट के शेयर्स नहीं बेचते, तब तक ये शेयर प्राइस शायद गिरेगा नहीं। लेकिन यहाँ से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस भी बहुत लिमिटेड है, ऐसा मेरा मानना है। उसका ग्रोथ रेट वापस आके फिर से उसका इस वैल्यूएशन, यानी कि 1.4 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन आज है, उसको सेंसिबल बनाने के लिए डीमार्ट को अगले कई साल लग जाएंगे ग्रो करते करते उस लेवल तक, उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस लाने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इस प्राइस पे अगर इन्वेस्टेड रहता है डीमार्ट में, तो उनको काफ़ी साल रुकना पड़ सकता है अच्छे रिटर्न्स मिलने के लिए। हो सकता है, इनफैक्ट मैं सरप्राइज भी नहीं हो जाऊं रहूंगा कि अगर प्रमोटर खुद, यानी कि मिस्टर दमानी खुद उनका स्टेक थोड़ा डाइल्यूट करे इस करंट प्राइस पे। फेब्रुअरी 2020 में ही उन्होंने 1.48 करोड़ शेयर्स बेच दिए थे डीमार्ट के 2,000 रुपीज़ के ऊपर के प्राइस पे, मेरे ख्याल से अराउंड 2,050 का प्राइस था। तो उस प्राइस पे उन्होंने 1.48 करोड़ शेयर्स बेचे थे, लेकिन वो एक कॉम्प्लायंस की रिक्वायरमेंट थी। सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रमोटर को 75% से ज़्यादा
स्टेक रखना अलाउड नहीं है। आईपीओ अगर किसी कंपनी का हुआ होता है तो उनको 3 साल का वक्त दिया जाता है कि उनका स्टेक, प्रमोटर का स्टेक जो है वो 75% के लिमिट के अंदर लेके आए। तो उस वजह से दमानी जी ने और उनके फैमिली मेंबर्स ने मिलके 1.48 करोड़ शेयर्स बेचे थे फरवरी के महीने में, जब 3 साल होने के लिए 1 महीना ही बाकी था। आईपीओ याद रहे कि मार्च 2017 में आया था।